वन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मॉर्निंग से मतलब आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मेरे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ था, तो वही मैं माँ से स्कूल से आने के बाद यहाँ पर मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे जगह पर रखती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे तुरंत जगह पर रखने का थोड़ा सा वो है कि मैं जगह पर तुरंत सामान रखती हूँ, पर अब टाइम नहीं लाती, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर आलस भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आज की वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, और देख रहे हो तो पूरे देखिएगा, और थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो अच्छी लगती है तो ही सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा और शेयर भी करिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, वीडियो पसंद आती है तभी शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्या है ना कि कुछ लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना सपोर्ट करते हैं, लेकिन कमेंट में ताने ऐसे मार के जाते हैं कि जाने कितना बड़ा पहाड़ हमारे लिए खोद कर गए हैं। तो बता दें, सब्सक्राइब करने से ना तो हमें पैसे मिलते हैं ना ही हमें कुछ मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करिए थोड़ा सा तो, कि हम कमेंट क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि बड़ा से बड़ा यूट्यूबर सब्सक्राइब करने की बोलता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें अपनी फैमिली बड़ी दिखती है और हमें खुशी होती है कि हमारी फैमिली से इतने लोग जुड़ चुके हैं, ना कि सब्सक्राइब करने से हमें कुछ फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कल मेरे से एक सब्सक्राइबर ऐसा बोली थी, तो मैं इसीलिए बता दूँ कि ऐसा नहीं होता है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कमेंट करा करें, क्योंकि कुछ लोगों को कमेंट नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन बोलने से मतलब होता है। ऐसे ही कल एक काजल शर्मा है, जो कि मेरे पड़ोस की नहीं है, मेरे मदर इन लॉ के पास की हैं, कुछ जा मतलब रिलेशन रखती हैं मेरी मदर इन लॉ, घर वालों से रखे ना रखे बट बाहर वालों से क्या रखती है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर क्या है कि उन्होंने मेरे पास कमेंट करा, कल मेरी बेटी का जैसे कि पता है एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने बोला कि मैं भी उस स्कूल में 10 साल पढ़ी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल नाम लेकर उन्होंने बाकायदा नाम लिया था, तो थोड़ी सी अगर उनके अंदर बुद्धि नाम की चीज़ है, तो काजल शर्मा तुम्हारे अंदर इतना माइंड तो होना चाहिए कि कभी भी सोशल मीडिया पर किसी भी इंसान का प्रॉपर ना तो नाम बताते हैं, ना जगह बताते हैं, और ना ही गलत चीज़ का कमेंट करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारा किसी का भी नाम सोशल मीडिया पर डाल सकती हूँ या बोल सकती हूँ, ठीक है, मैं भी चाहूँ तो बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम छोटी हो, पहले अपनी फैमिली देखो, अपने आप को देखो, तुम 10 साल पढ़ी हो, लेकिन 10 साल पढ़ने के बाद तुमने क्या किया ये चीज़ देखो, कहाँ तक पहुँची ये चीज़ देखो, उसके बाद इतना घमंड करना। 10 साल पढ़ी हो तो मैं भी MS स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, मैं भी किसी प्राइमरी या किसी छोटे स्कूल की नहीं पढ़ी, अगर मैं घमंड करूँ, बट मुझे घमंड नहीं आता है ना होता है। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि ऑलरेडी अच्छी बैकग्राउंड से है, और ना ही वो कभी घमंड करना मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है और ना मुझे आता है। घमंड वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ देखा ना हो और उन्हें एक बार में मिल गया हो। दूसरा नंबर मैं बता दूं कि मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ विरासत में नहीं मिली है, यानी कि सास ससुर देवर ननद की नहीं है मेरे पास, जो भी कुछ है मेरा है, मेरे पति का है, मेरे पास किसी और का बिल्कुल नहीं है। तो काजल शर्मा थोड़ा सा दिमाग लगा लो, पढ़ी जरूर हो तुम, लेकिन गुनी नहीं हो। आज की वीडियो स्पेशल मैंने तुम्हारी स्टार्टिंग में इसलिए बोल दी क्योंकि तुम छोटी हो, और छोटी तो नहीं हो, खैर इतनी भी छोटी नहीं हो, काफ़ी एज की हो तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी पता है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने अभी खाया है जस्ट आम, और हस्बैंड आम लेके आए थे तो आम खाए हैं मैंने, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ टमाटर को कट। मुझे लगाना है दाल में छौंक, और मैंने बनाए हैं दाल चावल जो कि दीव के फेवरेट है। दीव के फेवरेट है तो आपको पता ही होगा कौन से दाल चावल उसको पसंद है, और मुझे पसंद है मतलब हाँ वही पीले वाले, मतलब अरहर की दाल और चावल। तो मैं यहाँ पर टमाटर कट करती आ रही हूँ, और अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया है, मंदिर की क्लीनिंग करी थी आज मैंने, और दीपक वगैरह सफाई कर दी है मैंने। कल से जाना है मंदिर, सर्वास करना है मुझको, तो कल सर्वास करके मंदिर जाऊँगी। दीव मंदिर करके आ चुकी है, बाहर खेल रही है, अभी आम खा के गई है, बस चौंक लगाती हूँ, सोई दिया को बुलाती हूँ खाना खाने के लिए। और यहाँ पर मैं रेडी भी हो गई थी थोड़ा सा, और मैंने शूट नहीं करा था क्योंकि मैं वीडियो डाल रही थी अपने चैनल की, तो देखिए वीडियो डाली हुई है। कभी लेट हो जाती है शेड्यूल पे, एक्चुअली मैं गया ना आज
प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा मूड ऑफ है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, शेयर नहीं कर रही क्योंकि हर चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो समझते हैं बट कुछ लोग मजाक बनाते हैं, तो मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ और कोई रीज़न नहीं है। और एंड थैंक यू सो मच कि वहाँ पर रख दो। तो गाइज़ यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, और दाल में तड़का लगाने के लिए वो सिंपल सा टमाटर कट करे थे मैंने, और जो सूखी लाल मिर्च होती है बड़ी वाली वो ली थी, और मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो भी मसाले होते हैं वो डालते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग दाल वगैरह बनाते हैं तो वो तो थोड़ी बहुत तो निकलती है, चाहे हम कुछ भी कर लें लेकिन वो हमारी निकलनी होती है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से दिल से थैंक यू बोलूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली से कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। सच में गाइज मैं आज जो भी कुछ हूँ, थोड़ी हूँ या ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ आप लोगों के कारण हूँ। तो आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करिएगा, सपोर्ट करिएगा। देखिए आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा क्या किसी का एड्रेस सोशल मीडिया पर बोलना, क्या किसी के बच्चे के स्कूल का नाम बोलना। एक्चुअली मैं पहले मैं भी नाम बोल दी थी अपनी बेटी के स्कूल का, लेकिन मेरे कई सारे सब्सक्राइबर बोले कि दी अपनी बेटी का ना तो नाम बोलो ना कुछ बोलो, क्योंकि बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने तब से बोलना बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोगों में इतना एटीट्यूड आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है कि उनके अंदर ये सोचने और समझने की शक्ति नहीं रहती कि हम लिख क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। आप डायरेक्ट ये भी कमेंट कर सकती थी कि भाभी या दीदी जो भी तुम्हें मैनर्स हैं तुम्हारे अंदर थोड़े भी, तो तुम ये भी कमेंट कर सकती थी मैं भी इस स्कूल में 10 साल पढ़ी हूँ, स्कूल अच्छा है, उस स्कूल के बारे में तारीफ़ कर सकती थी। लेकिन वो नहीं, तुम पढ़ी जरूर हो लेकिन तुम गुनी नहीं हो, तुमने डायरेक्ट नाम लिया और मुझे तुम्हें जानबूझ के फिर ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। तो काजल शर्मा या कोई भी हो, मेरे पास भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के नंबर हैं, बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो लोग मेरे से बोलें और या ना बोलें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका सोशल मीडिया पर नंबर डाल दूं या सोशल मीडिया पर उनकी प्राइवेसी या इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो इस चीज़ पर केस भी हो सकता है, इस चीज़ पर लीगल कार्रवाई हो सकती है। यदि आप किसी की सोशल मीडिया पर कुछ गलत काम करते हो या कुछ करते हो तो इस बात के लिए पुलिस के पास आप जाकर कंप्लेन कर सकते हो। तो काजल शर्मा आप पढ़ी जरूर हो, थोड़ा दिमाग लगा लेना और कमेंट करने से पहले थोड़ा दिमाग सोच लेना। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारा फुल एड्रेस, फुल नाम तो सब कुछ डाल सकती हो, लेकिन तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी सोशल मीडिया पर अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो इस बात का तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा ही। तो प्लीज़ ऐसे काम मत करो कि अच्छा नहीं लगता। तुम इतनी एज की हो, छोटी वोटी नहीं हो, तुम काफ़ी एज की 25-26 साल की लड़की हो तुम, तो उसके बाद तुम ऐसे काम करोगी और तो तुम्हारा पढ़ना लिखना सब कुछ बेकार है, क्योंकि अगर तुम कुछ उस पढ़ाई का यूज़ नहीं कर सकती हो तो मैं आप लोगों से खुद बताऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या किसी की प्राइवेसी सोशल मीडिया पर बतानी चाहिए, कभी नहीं बतानी चाहिए। मेरे पास कल कमेंट आया, मैंने उनको हाइड करा क्योंकि वो एक दो बार नहीं, कई बार उन्होंने ऐसा कमेंट करा है और मैंने उनको कई बार रिमूव करा है, लेकिन उनके अंदर बुद्धि नहीं आई। तो आज मैं फिर गुस्से में आकर, क्योंकि मेरी बेटी का सवाल है, क्योंकि मेरी बेटी की प्राइवेसी उन्होंने लीक करी है, तो मैं गुस्से में आकर मैं ये काम कह रही हूँ, मतलब मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि ये सोशल मीडिया है। अगर मैं सपोज़ करो कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ बोलूँ या तुम्हारे बारे में कुछ बोलूँ, तो तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तुम लड़की हो, तुम्हारे घर से निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ अपने दोनों चैनलों पर तुम्हारी प्राइवेसी लीक कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम भी उसी तरह से, मैं तुम्हें भी उतनी रेस्पेक्ट देती हूँ जितना अपनी बेटी को देती हूँ। तुम मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं हो, कोई मेरी ऐसा नहीं हो, तो मैं सिर्फ तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी बेटी को करती हूँ। तो मैं वही तुम्हें बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और
प्राइवेसी मेरे पे भी बहुत सारे लोगों की है, लेकिन मैंने कभी लीक करी, मेरे सोशल मेरी यूट्यूब फैमिली जानती है कि मैं ऐसे फालतू के काम नहीं करती हूँ। मेरे पे बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो मेरे से बात करें या ना करें। और तुम घमंड किस चीज़ पर कर रही हो? तुम घमंड उस चीज़ पर कर रही हो जो कि तुम्हें विरासत में मिली, यानी तुम्हारी दादी बाबा की है। ठीक है, दादी बाबा की, तुम्हारी खुद की नहीं है, तुम्हारे पापा मम्मी की नहीं है, तुम्हारे खुद की फैमिली की नहीं है। मैं अगर घमंड करूँ तो कर भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी कुछ है, अगर एक पेन भी है तो मेरे पास मेरी खुद की इनकम का है, खुद के पैसों का है, खुद का है, मेरे को किसी विरासत में नहीं मिला है। और मेरी मेरी प्यारी YouTube फैमिली मेरे सपोर्ट करती है, जिसके कारण से मैं यहाँ पर हूँ। तो बस यही है, थोड़ा सा मैं गुस्से में थी, मैं चाहती तो इसको अलग से वीडियो बना के बोल सकती थी, लेकिन मैंने फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं सोचा। आप लोग मुझे खुद कमेंट में बताइएगा, क्या किसी की प्राइवेसी लीक करना ठीक है? बच्ची छोटी है मेरी, छोटी उसके प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये पढ़ी है 10 साल, लेकिन इनके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद इनके अंदर दिमाग नहीं है। और मैं भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी हूँ देखा जाए तो, लेकिन मैं घमंड कभी नहीं करती। मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। गुड इवनिंग बाल देखो कैसे कर रहे हो, तुमने नोच नोच के दियो मेरे। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और मैं सो गई थी दोपहर में, तो सोकर खाकर और काम करके फ्री हो गए। हस्बैंड भी खाकर जा चुके हैं, हस्बैंड लेके आए थे पड़ाके, तो ये बहुत ही ठंडा पानी है पड़ाके का, लेकिन इतना पिवा नहीं है। तो सबने पड़ाके खा लिए हैं, हस्बैंड भी खा लिए हैं, दाल चावल खा कर चले गए हैं वो। तो खा के चले गए हैं वो, और अब मैं जाऊंगी बर्तन साफ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि लाओ आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, मॉर्निंग से बातें नहीं करी है। और दीयू खेलने जा रही है अपना पोट्री पुस्तक लेके, तो उसको भी पढ़ाऊंगी मैं, पहले काम कर लूँ उसके बाद उसको पढ़ाती हूँ। मैं गेट खोल के बैठूंगी थोड़ी देर, उसके बाद बर्तन बर्तन साफ करने के बाद रात में करूँगी वीडियो शूट, तो उसके लिए भी देखूंगी कौन कौन से टॉपिक पर करनी है। तो ऐसा है, अभी ना मैसेज आ गए व्हाट्सएप पर, उनका रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ लाइट आ गई यार, लाइट कट हो गई थी बहुत देर से। चलो यार जान में जान आ गई, चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और आज आप लोगों ने क्या बनाया जरूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर चावल रखे हुए हैं थोड़े से, तो मैं उनको करूँगी एक कटोरे के अंदर और प्लेट से ढक दूँगी उसको। दो पराठे रखे हुए हैं तो वो भी है, और ये बर्तनों को मैं रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा गेट पर बैठूँगी, या फिर कोई मूवी आ रही होगी तो मूवी देखूँगी। और शाम के टाइम थोड़ा सा गेट पर बैठना अच्छा भी लगता है। हाँ, बच्चे खेल रहे हैं, टीचर खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप क्यों ज़रूरी है हर लेडीज़ के लिए, ये मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये आपका पैसों को बचाता है, दूसरे नंबर आपको कई सारी ऐसी बीमारियों से बचाता है जो कि पैड लगाने से होती हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम कहीं घूमने जाते हो, वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिलती चेंज करने की, तो हमें मजबूरन वही पैड लगाना पड़ता है, जिससे हमारी बैड स्मेल आती है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अजीब सा अंदर से हैप्पीनेस होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं, इसके लिए भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है। मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन का कप होता है, इससे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। साथ ही साथ यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, ये आपको 5 से 6 घंटे तक, वैसे 12 घंटे की इसकी होती है, लेकिन आप 6 घंटे तक इसे लगाकर उसे कहीं पर भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो आप इसे 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। आपको मेंस्ट्रुअल कप खरीदने के लिए कुछ नहीं करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, यहाँ पिक्चर आ रही है, आप लोग उसे जाकर बाय कर सकते हैं।